तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सबने मेरा टारगेट देख ही लिया होगा, आज का टारगेट क्या है, तो मैं उस टारगेट को पूरा करने आज जुड़ गया। तो आज मैंने सबसे पहले अपना साइंस का करा आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड के रिवीजन। इसमें यार देखो, रिवीजन का तो बहुत आसान था, इसमें लेंस रेटिना ये सब मतलब अंदर की बात है ना, मतलब अपने शरीर में ही है ना, तो थोड़ा याद करने में डिफिकल्ट होता है। और रेटिना तो शायद बहुत बच्चों ने सुना भी होगा बचपन से ही, मैंने तो सुना है, आप सबकी बात पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है रेटिना वेटिना के बारे में। और इसमें ना थोड़ी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इस चैप्टर में ना मेरे ख्याल से दिमाग लगाने कोई ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आराम से याद हो जाएगा। बस तुम्हें याद करने का तरीका या और अच्छे से याद करना आता हो तो बहुत आसान है। इसमें बस देखो यार, वो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ बनती है कहाँ नहीं बनती। जैसे रेटिना पे सारी इमेज बनती है तो सबको पता होगा, और जब क्या कहते हैं हमें मेट्रोपिया हो जाता है, मायोपिया हो जाता तो पिक्चर अब पीछे बनती है, और जब मेट्रोपिया होता है हाइपरमेट्रोपिया तो आगे बनती है। मतलब बस यही याद करना है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। ये बाईफोकल लेंस ये सब तो तुम्हें वैसे भी याद हो जाएंगे, मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए, मुझे तो याद हो गया था। और इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको याद करने मतलब है इसमें ज़रूरी है। मार्क्स का पता नहीं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। और ये वेव क्योर तो पता ही होगा तुम्हें, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ये तो पता ही होगा। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये चैप्टर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट थोड़ा याद कर लेना, टिंडल इफेक्ट वाला, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया जल्दी, आधा घंटा लगा इसको बस रिवाइज करने में, ज़्यादा नहीं लगा। उसके बाद मैंने अपना लिया फेडरलिज्म SST वाला, ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर था मेरे लिए, क्योंकि इस चैप्टर में ना मतलब थोड़े से रेसिडरी सब्जेक्ट ये सब सब्जेक्ट थोड़े से मुश्किल रहते हैं, और सब कुछ नहीं। और सब इसमें से MCQ ज़्यादा बनते हैं, MCQ इस चैप्टर में से ज़्यादा बनते हैं। और ज़्यादातर मेरे ख्याल से ना वो वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, केस बेस्ड वाले, कॉम्पिटेंसी वाले, वो वाले क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा बनते हैं। तो इस चैप्टर को आराम से ध्यान से पढ़ना। और ये वाला चैप्टर मेरे लिए, मैंने बहुत छोटे नोट्स बनाए क्योंकि मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे, इसमें ज़्यादा नहीं लिखे। ये वाला चैप्टर ना याद करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब ये बात तो पता नहीं कि बोर्ड में कितने क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन हाँ इस वाले चैप्टर से बनते हैं क्वेश्चन। तो SST में से वैसे तुम्हें पता ही होगा सारे टर्म 20-20 मार्क्स के आ रहे हैं, तो सब में बनेंगे। तो लेकिन इसमें से देख लेना तुम, सिविक्स में ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। तो यार डिसेंट्रलाइजेशन देखो यार, तुम सबको ही पता होगा, तुम्हारे यहाँ या मेरे यहाँ तो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पार्टी MCP, ये सब तो है, लेकिन तुम्हारे यहाँ का पता नहीं। तुम्हारे यहाँ शायद पंचायत भी हो सकती है या MCP भी हो सकती है। तो ये याद करना ज़रूरी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर टू माय चैनल, और कमेंट भी कर दिया करो, और वीडियो को अच्छा सा कमेंट करा करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।